सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वाल। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मौके किया नमन। वाजपेयी की 99वीं जयंती मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री। लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह नत्त की मौत। जलंधर के मिलिट्री हस्पताल चले आखिरी सा। कुपवाड़ा अतवादी हमले च लगी सी गोली। हिजाब पहनने से लगी पाबंदी हटाने से सिद्धरमैया का यू टर्न। सरकार कर रही है विचार। इस तो पहले सीएम ने हिजाब न हटाने का लिया फैसला। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सने कई नेतावां ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नूं उनां दी 99वीं जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट करदे कहे कि साबका प्रधानमंत्री अटल जी ने सारी उम्र राष्ट्र निर्माण नूं रफ्तार देण च लगे रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ते पोस्ट कहे कि उह सारी उम्र राष्ट्र निर्माण नूं हुलारा देण च लगे रहे। भारत माता लई उनां दा समर्पण ते सेवा दी भावना अमृतकाल विच वी प्रेरणा स्रोत बणिया रहेगा। दस दईए कि भारत दे साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 1924 अज के दिन जन्म होया सी ते ओ भाजपा दे संस्थापकों विचों इक सन। तीन बार देश दे प्रधानमंत्री बने। उन्हां दा पहला कार्यकाल 1996 सिर्फ 13 दिनां दा सी। इस तों बाद ओह 1998 फिर प्रधानमंत्री बने ते 13 महीने तक इस अहुदे नूं संभालिया ते साल 1999 विच ओह तीजी वार देश दे प्रधानमंत्री ने। ओह पहले अजिहे गैर कांग्रेसी नेता बने जिन्हां ने प्रधानमंत्री दे रूप विच अपना कार्यकाल पूरा किया ते उन्हां दा 16 अगस्त 2018 नूं देहांत हो गया। एक सौ साठ टीए के एक उगे अधिकारी ते सेना मैडल प्राप्त करने वाले लैफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह नत्त का देहांत होने कारण भारतीय फौज लिख दुखदायक घाटा हो। कर्नल करणबीर सिंह ने जलंधर के मिलिट्री हस्पताल च आखिरी सह लेने जो पिछले 8 सालों तो कौमा विच सन। ये जवान 2015 च जम्मू कश्मीर च अतवादियों नाल लड़दे हुए गंभीर रूप से जख्मी हो गया सी। 22 नवंबर 2015 नूं कुपवाड़ा कंट्रोल रेखा के नेड़े हाजी नाका पिंड विच अपनी ड्यूटी निभाते हुए अधिकारी नूं गंभीर सट्टा लग्गिया। उसके हेठले जवाड़े से कलाशिनकोव नाल गोली लगी सी जिस नाल उह जख्मी हो गया सी। लश्करे तौयबा नाल जुड़े हमलावरां ने खास तौर पर कर्नल संतोष महादिक अते लैफ्टिनेंट करणबीर सिंह नत्त नूं निशाना बनाया। लैफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह नत्त ने उस भयानक दिन तो लैके हुण तक अस्थिरता नाल संघर्ष किया जिस कारण उसकी प्रतिक्रिया करना जां बोलना असंभव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने स्पष्ट किया कि सरकार फिलहाल सूबे च विद्यक अदारियां विच हिजाब पहनने ते लगी पाबंदी नूं हटाउण बारे विचार कर रही है ते फैसला सरकारी पद्धर ते विचार वटांदरे तों बाद ही लिया जाणा। सिद्धरमैया ने पत्रकारां नाल गल करदिआं कहा है कि असीं अजे तक अजिहा कोई फैसला नहीं लिया। किसी ने मैनूं हिजाब ते पाबंदी हटाउण बारे पुछिआ तां मैं कहा कि सरकार इस नूं हटाउण ते विचार कर रही है। यह पूछे जाने कि इस अकादमिक सैशन च अजिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विचार चर्चा तो बाद ही पता लगेगा। मुख्यमंत्री का यह स्पष्टीकरण उन्होंने उस बयान तो एक दिन बाद आया जिस विच उन्होंने कहा कि विद्यक संस्थावां विच हिजाब पहनने ते कोई पाबंदी नहीं है ते कहा कि कपड़िया की चोन ते भोजन की चोन एक निजी मामला। कृष्ण नगरी द्वारका च अज करीब 5,500 साल पहला कृष्ण काल च निभाए अलौकिक संस्कारां दा मानमत अतीत दोहराया गया। दरअसल ब्रह्म मुहूर्त समय 37,000 अहीर औरतां ने इकट्ठे गरबा कीता। गरबे दे संबंध विच विश्वा परंपरा दी झलक पेश कीती गई। अज 37,000 अहीर औरतां दे गरबे दा ड्रोन वीडियो सामने आया जिस विच गरबे दा अद्भुत दृश्य वेखण नूं मिल रहा है। कृष्ण नगरी द्वारका च करीब 37,000 औरतां ने इकट्ठे गरबा कीता ते विश्व रिकॉर्ड बनाया। फिर अज तो पूरे द्वारका खेतर ते सजावट नूं रोशन कीता। याद रहे कि अहिरानी गरबे दे इतिहासिक आयोजन च ना सिर्फ देव भूमि द्वारका जां गुजरात सगों
दुबई, अमरीका, दक्षणी अफ्रीका, कैनेडा ते होर देशां दी औरतां भी शामिल होईयां ने। गरबे नूं वेखदे होए द्वारका च अहीर भाईचारा इकट्ठा होया। अहीर भाईचारे ने जगत मंदिर झंडा चढ़ाया, जिथे हजारां दी गिनती च लोक इकट्ठे होए सन। इस दौरान गरबे दे स्थान ते पूजा की गई, गरबा वेखण लई लोकां दा भारी इकट्ठ मौजूद सी। WFI के सबका प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने हाल ही च गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात नूं लैके हुई चर्चा ते अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारतीय कुश्ती फैडरेशन के सबका प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने कुश्ती ते राजनीति तो संन्यास ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात दौरान ब्रिजभूषण ने कहा कि मैनू जो भी कहना सी मैं कल कह दिता, मैं कुश्ती ते कुश्ती नाल जुड़ी राजनीति तो संन्यास ले लिया। जिथों तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात दा सवाल है, भावें असीं मिले आ, मैं कुश्ती बारे चर्चा नहीं करांगा। श्री अकाल तख्त साहिब दे हैड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह ने समूह संगतां नूं 27 दिसंबर दे दिन श्री फतेहगढ़ साहिब तों निकलण वाले नगर कीर्तन विच वध चढ़ के हाजरी भरन की अपील की। साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज, जिन्हां ने पोह दे महीने विच इन्नी ठंड धुंदां दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने आनंदगढ़ दा किला छड्डिया, सरसा नदी ते परिवार विछोड़ा होया, चमकौर दी गढ़ी अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे जाना तो प्यारे सिंह लखते जिगर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी रण तत्ते अंदर जूझ के वैरियां दे आउ लाते हुए शहादत प्राप्त कीतियां ते सतगुरु साहब जी के पावन बचन सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, 40 सिंघां दा 10 लख फौज नाल टाकरा, उपरंत माता गुजर कौर जी ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਕਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕੋ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਿੰਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਭਾਰੀ ਵਿਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੱਖੜ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ।
ट्राले ते महिंद्रा पिकअप गड्डी दी आमो सामने टक्कर हो गई, जिस तो बाद पिछे आ रही होर गड्डियां भी इन्हां विच जा वज्जियां। इस हादसे दौरान दो लोग जख्मी हो गए, जिन्हां नूं मोगा दे सिविल हस्पताल रैफर किया गया। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला अमृतसर के थाना मोकमपुरा अधीन आउंदे सन सिटी नज़दीक सर्व धर्म एकता मंदिर छोटा शिवाला दे, जिथे एक शराबी पुलिस मुलाजम वालों नशे की हालत में गाली गलोच करदे मंदिर प्रबंधकां ते पिस्तौल ताणी गई, जिस दौरान नशे में बेसुध मुलाजम की पिस्तौल भी उत्थे डिग पई। जिस संबंधी मंदिर प्रधान भरत भूषण ते उसके परिवारक मैंबरां दस्सिया कि आए दिन ही सिपाही शराब विच मंदिर विच उन्हां दी फुल वेचण वाली बेटी नाल गाली गलोच करदा ते जदों उसनूं रोकिया गया तां उसने पिस्तौल कढ ली ते उन्हां वल्लों मौके ते पुलिस नूं बुला हथियार समेत शराबी पुलिसकर्मी नूं पुलिस हवाले करदे इंसाफ की मांग की गई है। इस संबंधी थाना मोकमपुरा की पुलिस के SHO वल्लों फिलहाल इस मामले संबंधी तफतीश का हवाला दिता जा रहा है। चार साहबजादियां दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित अमृतसर दे नैक्सस मॉल विखे चार साहबजादियां दी तस्वीरां लगा के लोगों नूं उन्हां दी शहादत बारे जाणू कराउण संबंधी वक्खरा उपराला कीता गया, जिस दी लोगों वल्लों काफ़ी शलाघा भी की जा रही है। इस संबंधी गल करदिआं सिख संगतां दस्सिआ कि अज जदों नैक्सस मॉल विच पहुंचे तां चार साहबजादियां दीआं फुल्लां नाल सजाईआं तस्वीरां वेखीआं तां मन नूं बहुत वधिया महसूस होया, क्योंकि आम तौर ते बाकी मॉल विच इन्हां दिनां विच सिर्फ क्रिसमस ट्री ते सेंटा क्लॉज ही बनाए जांदे ने, पर इन्हां साडे शहादतां भरे सिख इतिहास दी याद नूं समर्पित जो उपराला वो बेहद ही शलाघायोग है। ये एक छोटी जिही कोशिश की गई आ अपने सरबसदानी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह के चार साहबजादों की शहादत वास्ते एक कोशिश की गई है, जो हर साल करते हैं कि प्रदर्शनी ला के इन्हों चार साहबजादों का स्टैचू ला के ताकि जो भी आवे मॉल के बच्चों परिवार ना आए उन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान हो जो हफ्ता चल रहा ये किस चीज ते चल रहा है साहबजादे शहीदी के बारे उन्होंने पता लगे। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़र होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।